नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम पंजाब की चुनावी यात्रा पे हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हम आज पंजाब की मशहूर यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हैं। पंजाब के इलेक्शंस में एक बात बार बार कही जा रही है कि पंजाब पर कर्जा है और इस कारण से पंजाब का विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस कर्जे को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ छात्रों और प्रोफेसर से बात की और ये हमें समझ में आया साफ तौर पर कि इस कर्जे का एक असर जो है यहाँ की जो राज्य स्तर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर पड़ रहा है और यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ तमाम तरीके से दिक्कतों में हैं, जिसकी वजह से एकेडमिक काम को जो है दिक्कत हो रही है। पंजाबी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो है कुछ महीने पहले जो है फ़ी हाइक को लेकर एक पूरा आंदोलन चला, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने फी घटाया। एडमिनिस्ट्रेशन से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से फंडिंग जो है वो कई महीनों से रुकी हुई है। इस तमाम संकट के बावजूद में देखने वाली बात ये है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज की बदहाली का मुद्दा ना तो चुनावी पार्टीज के एजेंडे में है, ना ही इसके इर्द गिर्द कोई जो है बातचीत हो रही है, कोई विमर्श हो रहा है। हमने इस मुद्दे पे कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से बातचीत की है, सुनिए। एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एक ऐसे कोर्स के स्टूडेंट होने के बाद ये चीज समझ में आती है कि भी जब पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्जा हो और फिर हम जब एजुकेशन के रिगार्डिंग फंडिंग की बात करते हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाऊं तो हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी 150 करोड़ का कर्जा था, जो कि हाल ही कुछ महीने पहले हमारे जो सीएम सर हैं उन्होंने उसके ऊपर उनको कहा कि हाँ मैं इसको टेक ओवर कर लेता हूँ। हम लोगों ने उस चीज़ का ड्रॉबैक देखा है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन किसी कर्जे में होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस में होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, या तो फी हाइक्स हो जाते हैं या बिना मतलब के एडिशनल चार्जेस लगने लग पड़ते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं। 1,68,000 का जो बजट है उसमें से हायर एजुकेशन के लिए 1,100 है, जनरल एजुकेशन के लिए 11,000 करोड़ रुपया है। इतने बुरे हाल है। तो पोस्टें खाली हैं, जानबूझ के भरी नहीं जा रही हैं, उनका हालात बुरे हो रहे हैं। इसलिए वो मैदान प्राइवेट एजुकेशन के लिए खुला छोड़ दिया गया, जहां पूरे लटाई हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है। अगर हम इसी बात को दूसरी यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो हम ये पाते हैं कि इस क्राइसिस को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अपने फीस को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है ताकि वो अपने आप को चला सकें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में MS सोशल वर्क की जो फीस है, मतलब पूरे कोर्स की, वो 1,00,000 रुपये है। इसी तरीके से MSc ह्यूमन जीनोमिक्स की फीस 84,000 रुपये है। GNDU जो अमृतसर की यूनिवर्सिटीज़ है, और यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश की, वो ऑन कैमरा तो नहीं है लेकिन उन्होंने बताया कि BTech की फीस जो है 4 साल की वो 5,00,000 रुपये है, MEd की फीस 1,50,000 रुपये है और MA इकोनॉमिक्स की फीस 1,36,000 रुपये है पूरे कोर्स की। इसके अलावा इतर अगर हम खर्चे जोड़ देते हैं तो पढ़ाई पूरी तौर पर महंगी हो जाती है। जब किसी यूनिवर्सिटी को या किसी इंस्टीट्यूशन को उसकी बनती बुनियादी फाइनेंशियल सहायता नहीं मिलती है तो उसके एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ही बुरे प्रभाव दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात करोगे, जब से ये फाइनेंसिंग क्राइसिस पे आई है तो यहाँ पे रिसर्च, यहाँ पे टीचिंग्स, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस जो हमें देखने को मिला है, दुख भी है और हमें ये हैरानी भी है कि ये हमारा जो मुद्दा है वो डिस्कस क्यों नहीं हो रहा। ये मुद्दा डिस्कस होना चाहिए, उसका इफेक्ट उस मुद्दे का, उस कर्जे का इफेक्ट हम पे क्या है कि हमारी फीस बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं, हमें फीस के खिलाफ, जो बढ़ी हुई फीस है उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है, जिससे हमारी जो एजुकेशन है हमारी वो भी हमारी इफेक्ट होती है। हमें तो पढ़ना चाहिए लेकिन हमें क्या, हमें अपनी एजुकेशन बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, हमें एजुकेशन बचाने के लिए हमारी एजुकेशन को ही छोड़ना पड़ रहा है ताकि हमारी एजुकेशन बच सके। मसला ये है कि कर्जे का जो नेचर है कि स्टेट को कर्जा लेना पड़ा, लेकिन सवाल ये बनता है कि स्टेट क्या लोगों ने बोला कि हमें जो है हमारी ये जायदाद गिरवी रखो और कर्जा ले लो। लोग इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, सरकार खुद ही प्राइवेटाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज हैं उसके अधीन चीज़ों को एक साजिश के तहत जो है वो कर्जा ले रही है और उसके बाद चीज़ों को जो है वो प्राइवेटाइज करने के ओर जा रही है।
ऐसे ही जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं पहले की एस्टेब्लिश, वो तीन यूनिवर्सिटी हैं, एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, PAU है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, उससे एक यूनिवर्सिटी गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ एटर्नी साइंसेज बनी। तो कुछ लोग पढ़ने जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का तो काफ़ी मसला चला, उसकी बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें 40-45-50% तक भी पोस्टें खाली हैं ना, वो नहीं भरी जा रही जानबूझ के। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तो इतनी हालत बुरी है कि वहां तो कंट्रैक्ट टीचर भी नहीं है, गेस्ट फैकल्टी है। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਾਲਟਸ ਮੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਵੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਅਗਰ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਪੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ੋਂ ਪੇ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਯਾਂ ਤੋ ਉਸਕੀ ਬੁਕਸ ਜਰਨਲਸ एंड नंबर ऑफ पब्लिकेशन अवेलेबल एंड नंबर ऑफ डाटा सोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल। अगर आप ये देखोगे तो जब से यहाँ पे ग्रांट नहीं मिली है तो लाइब्रेरी का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ह्यूज ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रहा है। अब ये चीज़ें डिक्लाइन होंगी तो रिसर्च की क्वालिटी जो है डिक्लाइन जाएगी। पैरेलल यहाँ पर एक 2009 में एक पॉलिसी आती है राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। उससे पहले भी बहुत कुछ आता है, सर्व शिक्षा अभियान आता है कि जिसमें हमने उस तरीके के लोगों को कैप्चर करना है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में है। पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इन लोगों को हमने हाशिए में लेके कैसे आना है। इसीलिए एक्ट्स बने, इसीलिए बहुत सारी पॉलिसीज बनी, पर पैरेलल जब 2020 में नई शिक्षा नीति आती है तो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जहां पर कॉलेजेस को क्लब किया जा रहा है, स्कूल को मर्जेस किया जा रहा है, या उनकी फीस बढ़ रही है। बहुत सारे रूरल एरियाज में स्थापित जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के तहत भी बंद हो रहे हैं। तो जहां पर हमने इन मार्जिनलाइज सेक्शन को कैप्चर करना था, लेके आना था, वहां पर पॉलिसीज इनको बाहर लेके जाने की बात कर रही है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं, इसका जो जो इसकी मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की वो मालवा क्षेत्र से आता है। मालवा एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पंजाब का, यहाँ पे बहुत जो लोग हैं ज़्यादातर वर्किंग क्लास है, जो लोग हैं जो मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, और जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। जब जैसे जैसे फीस बढ़ जाती है, जो पहले 10% बढ़ाई फीस यहाँ पे, और उसके बाद जो है जो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज यहाँ पे लाए गए, जिसकी वजह से जो यहाँ से जो वो सेक्शन है, वो गरीब तबके का जो सेक्शन है स्टूडेंट्स का, वो बाहर होता जा रहा है। ये वो कर्जा, वो जो अमाउंट है, वो हम पे ऐसे असर करती जा रही है। पंजाबी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पंजाब की, एक वी कैन से कि अलग यूनिवर्सिटी है बाकी यूनिवर्सिटी से, जिसकी फ़ी जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि इस इलाके का जो है मालवा रीजन जिसे बोलते हैं, इसका आम विद्यार्थी जो है वो बहुत आम परिवारों से आकर वो बहुत विद्यार्थी जो है यहाँ पे अपनी एजुकेशन जो है वो लेते हैं। तो इसकी फीस जो है अफोर्डेबल है, इसलिए वो आम घरों के लोग हैं, जो आम घरों के जो स्टूडेंट हैं वो आके यहाँ पे जो है अपनी एजुकेशन ले पाते हैं। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, जहाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या PTU है, उसकी फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है पंजाबी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की, वो ज़्यादा है। लेकिन स्टेट जो है, अगर कहें कि स्टेट का इसमें कोई रोल है कि इसकी फ़ीस जो है कम रखी गई है, तो वो नहीं है। स्टेट अपना जो अपने ऊपर जो बोझ पड़ता है उसको अपने सिटीजन्स के ऊपर, चाहे वो टैक्स के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, वो पूरा ठोसने की कोशिश करते हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी है, इसकी भर्ती हुई थी, लेकिन इसमें भी अभी भी बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, तो टीचर नहीं मिल रहे हैं। जैसे जहाँ पॉलिटिकल साइंस है, दो टीचर हैं ना, और जहाँ पे इस समय 20-21 टीचर होते थे, वहाँ अब 6-6-7-7 टीचर हैं। तो वहाँ काम रिसर्च स्कॉलर से चलाया जा रहा है ना, वहाँ गेस्ट फैकल्टी भी रखने के लिए पैसा नहीं है, वो देते नहीं है।
तो रिसर्च स्कॉलर को लगा दिया, जिसका क्या ऑप्शन है कि उसका काम सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां तो मतलब धक्के से उसको कर दिया कि इसको पढ़ाना ही है, तो वो एजुकेशन का क्वालिटी आप समझ सकते हैं। पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत कम बुक्स, इवन 1-2 बुक्स भी अभी तक आई नहीं है, बहुत सारे जर्नल चल नहीं रहे हैं, बहुत सारे जो डाटा सोर्सेज रिपोर्ट्स ही वो आ नहीं रही हैं, तो रिसर्च कैसे होगी। ऐसे ही हम टीचिंग में देखें तो UGC ने एक परफेक्ट रेशो दिया है भी, टीचर स्टूडेंट रेशो इतनी होनी चाहिए। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट देखोगे ना, उसमें नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। नई रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुई है? क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे डिपार्टमेंट एक सिंगल टीचर की तरफ, टीचर से चलाए जा रहे हैं रेगुलर से, बाकी सारे रिसर्च स्कॉलर क्लासेस लेते हैं या फिर गेस्ट फैकल्टी हायर कर ली जाती हैं। या कॉर्पोरेट टैक्सेस है, उनको तो आप रिबेट्स दे रहे हो, उनको आप ये प्लस पॉइंट दे रहे हो कि आप अपने बैंक्स भी रन कर सकते हो और उनके जो कर्जे हैं वो माफ भी हो रहे हैं। पर वहीं पर जहाँ स्टेट का कोई कर्जा है या किसी इंस्टीट्यूशन का कर्जा है, वहां पर उसको माफ करने में बहुत ज्यादा डिले कर दिया जाता है, उसका अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हाशिए में आने वाले लोगों को हम लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज नॉट अ राइट, एक्चुअली सिस्टम में एजुकेशन इज अ प्रिविलेज बन चुका हुआ है कि जिसकी पॉकेट में पैसा होगा वो ले सकेगा। हमारी क्लास की जो रिप्रेजेंटेशन है चुनाव में पॉलिटिकल उसमें है, जा तो है ही नहीं कहीं पे, अगर है तो कमजोर है और उन्हें भी जो है वो अपने मुद्दों की समझ नहीं है। हम लोग अगर ये मतलब कि एक्सपेक्ट करें कि BJP कांग्रेस या बाकी जो अकाली दल है वो हमारी बात करेगी या इवन कि आप हमारी बात करेगी, तो वो हम लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने तो ये पॉलिसीज हम लोगों पे थोपी हैं। अगर वो पॉलिसीज थोप सकते हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों के माइंड से इन मुद्दों को जो है वो स्वीप कर दिया जाए, जो है वो क्लीन कर दिया जाए। इस यूनिवर्सिटी का जो 91 से लेके लगातार ग्रांट कम होता गया, तो लगातार कम होते होते 2004-05 में जो ग्रांट थी वो जो फीस थी कंट्रीब्यूशन उससे कम हो गई। 91 में हमारा टोटल बजट जो था यूनिवर्सिटी का वो कोई 18 करोड़ का था, है ना, सीधे से उसमें कुछ लाख का फर्क हो सकता है, तो उसमें से 12 करोड़ 10 लाख सैलरी बिल था, 12 करोड़ 10 लाख, तो फीस आती थी 1 करोड़ 69 लाख, इतना कंट्रीब्यूशन था। पंजाब सरकार देती थी 15 करोड़ 15 लाख ग्रांट, मतलब सैलरी बिल से 3 करोड़ ज्यादा, तो वो आते आते कम करते 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 ऐसा हुआ कि 2004-05 से लेके तो जो फीस है वो ग्रांट से ज्यादा है। जेडे वड्डे वड्डे सरमाएदार ने, जेडे कॉर्पोरेट ने, जेडियां सरकारां ने, ए उन्हां दे लई उन्हां दे हक दे विच नीतियां बणाउंदियां ने, आम लोकां नूं ते सिर्फ लुट्टण दीआं चालां ने, वी किवें लुट्टिया जावे। जो स्टेट का और या गवर्नमेंट का रुख है ना, वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ है। जब हम प्राइवेट एजुकेशन की तरफ कह देते हैं तो आप देखेंगे पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ये पॉलिटिशियन है उनके इंटरेस्ट सर्व करती है। सेकेंडली, जो यहाँ का रूरल एलीट है वो ये सोचता है अगर हम ये यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग करेंगे तो यहाँ से अवाम की आवाज़ क्रिएट होती है, इंटेलेक्ट पैदा होता है और वो हमें जाके क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो ये चुनाव का मुद्दा हम ये नहीं कह सकते नहीं है, क्योंकि पिछले लास्ट मतलब 2-3 सालों से बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे पीफेक्टो की मूवमेंट है, ये एक हमारे सांझा कालज बचाओ मंच की मूवमेंट है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत सारी मूवमेंट हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है भी आपने हायर एजुकेशन पे फंडिंग क्यों नहीं की, आपने हायर एजुकेशन का ऐसा बुरा हाल क्यों किया है। तो आप ये देखोगे ना बहुत सारे रिएक्शन भी आए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम भी किए हैं बट वो सारे ऐलान की तरफ ही रह गए हैं, बट प्रैक्टिकली बहुत सारे कम इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो आज की टाइमिंग में फाइनेंसिंग सबसे बड़ा मुद्दा है हायर एजुकेशन को बचाने का, बिना फाइनेंसिंग के हायर एजुकेशन नहीं बच सकते। तो फीस की कंट्रीब्यूशन है 60%, 70%, तो ग्रांट की कंट्रीब्यूशन है 30%। ऐसा वो हुआ कि पहली दफे यूनिवर्सिटी ने, और यूनिवर्सिटी को जो कंपेल किया गया कि आप अपने जनरेट कीजिए सोर्सेज चलाने के लिए,
तो जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया गया, तब जहाँ वाइस चांसलर थे बप्पा राय साहब, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम 48 करोड़ का कर्जा लिया दो कॉलेज चलाने के लिए, एक जहाँ एक तलवंडी। वो कर्जा उतरा नहीं है ना, वो करता बढ़ता गया, फिर वो उतर गया और कर्जा ले लिया, और उतरा तो और ले लिया। ऐसे करते करते ये हालत हो गई कि यूनिवर्सिटी को सैलरी देने के लिए कर्जा लेना पड़ा, तो कर्जा बढ़ते बढ़ते अब 150 करोड़ का कर्जा है यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो सैलरी बिल जो ग्रांट आती है वो 9 करोड़ के करीब आती है, 9 करोड़ कुछ लाख की, तो सैलरी बिल पड़ता है 30 करोड़ में। जो जो 21 करोड़ का घाटा है वो कहाँ से आएगा, इतनी फीस कहाँ देंगे स्टूडेंट। जब आपने मार्जिनलाइज सेक्शन को एजुकेशन देनी ही नहीं है, उसको राइट बनाना ही नहीं है, तो कहाँ पर हमारी जो इलेक्शन के समय पॉलिसीज में ये बात डिस्कस होगी, कहाँ पर हमारे आने वाले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके एजेंडा पे होगा। उनके एजेंडा पे ये चीज नहीं हुई, उनके एजेंडा पे या तो धर्म के नाम के ऊपर जो ऑलरेडी हेट्रेडनेस है, नफरत चल रही है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, कभी इस पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगा के, कभी दूसरी पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगा के। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिविल सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने का एजेंडा है ही नहीं है, उनके एजेंडे पे ही नहीं है पब्लिक एजुकेशन, उनके एजेंडे पे पब्लिक हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो हमारी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।